हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं हमारा राजस्थान बुक जो है क्लास 8th की, तो जिसमें हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। 23 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब उसके बाद अब हम करने वाले हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन जो है वो पढ़िए, चैप्टर यदि पढ़ लिया है तो आंसर देने की कोशिश करिए, और यदि नहीं भी पढ़ा है तो इन क्वेश्चन आंसर को बहुत ध्यान से सुनिए, बार बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये लर्न हो जाए। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कहा जाता है। राजस्थान सूती वस्त्र की सबसे पहली मिल किस जिले में स्थापित की गई थी? राजस्थान सूती वस्त्र की सबसे पहली मिल किस जिले में स्थापित की गई थी? तो अजमेर जिले में स्थापित की गई थी, व्यावर में, 1889 ईस्वी में, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से। ठीक है, राजस्थान सूती वस्त्र की सबसे पहली मिल जो है वह अजमेर जिले के व्यावर में स्थापित की गई थी 1889 में। तो यहाँ पर अजमेर जिला ना आकर एग्जाम में व्यावर जो है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान सूती वस्त्र की सबसे पहली मिल जो है वह कहाँ स्थापित की गई थी। तो वहाँ ऑप्शन में जो है अजमेर ना देकर व्यावर दे दिया जाएगा, तो दोनों ही याद रखें, अजमेर जिले के व्यावर में। राजस्थान की वस्त्र नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो ये पूछा जा रहा है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है या राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सांगानेर बगरू कहाँ है? जयपुर में है। वस्त्रों के किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? सांगानेर बगरू वस्त्रों के किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पर वस्त्रों की रंगाई, छपाई और बंधेज, ये सभी कार्य होते हैं। जयपुर के अलावा वस्त्रों की रंगाई, छपाई और बंधेज का कार्य अन्य किन जिलों में किया जाता है? जयपुर के अलावा वस्त्रों की रंगाई, छपाई और बंधेज का कार्य जो है जयपुर के अलावा भी अन्य जिलों में होता है, जैसे जोधपुर, चूरू, बीकानेर और नागौर। राजस्थान में किन सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जीनिंग मिल संघ की स्थापना की गई? राजस्थान में किन सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जीनिंग मिल संघ की स्थापना की गई? तो हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में। इनकी सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जीनिंग मिल संघ की स्थापना की गई। सीमेंट उत्पादन के लिए कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उत्पादन के लिए तीन कच्चे माल हैं, चूना पत्थर है, जिप्सम है और कोयला है। तो चूना पत्थर और जिप्सम जो कि राजस्थान में मिल जाता है, लेकिन कोयला जो है अदर स्टेट से मंगवाना पड़ता है। तो यहाँ पर कच्चा माल जो है वो सीमेंट के लिए क्या रहेगा? चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला। राजस्थान में कोयला जो है कहाँ से मंगाया जाता है? तो कोयला जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मंगवाया जाता है। ठीक है, याद रखें, कोयला जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मंगवाया जाता है, और सीमेंट उत्पादन में कच्चे माल के रूप में कोयले का प्रयोग होता है। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना किस जिले में खोला गया? राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना किस जिले में खोला गया? तो ये बूंदी जिले के खोला गया था, बूंदी जिले में, लाखेरी में। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना किस जिले में खोला गया? बूंदी जिले में खोला गया था, लाखेरी में। तो सीमेंट कारखाना जो है, सीमेंट जो है वह भी वृहद उद्योग की श्रेणी में आ जाएगा, जैसे सूती वस्त्र जो है हमने पढ़ा वह भी वृहद उद्योग की श्रेणी में आता है। सीमेंट उत्पादन के कच्चे माल की उपलब्धता के लिए किस जिले को आदर्श जिला माना जाता है? जहाँ कच्चा माल जो है वो हमको मिल जाता है सीमेंट उत्पादन के लिए, तो वह है जिला चित्तौड़गढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 34 है, किन्हीं लघु और कुटीर उद्योगों के नाम लिखें। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था मिट्टी से बर्तन निर्माण, हस्तनिर्मित वस्त्र, बांस से टोकरी निर्माण, ये सभी लघु यानी कि छोटे उद्योगों की श्रेणी में आता है, कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है।
किन्हीं वृहद उद्योगों के नाम लिखिए। तो हमने दो पढ़े थे, सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग, तो ये वृहद उद्योग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, इसके अलावा शक्कर उद्योग, जो कि किससे बनता है, शक्कर गन्ने से बनता है, तो शक्कर उद्योग भी वृहद उद्योग की श्रेणी में आता है। राजस्थान में प्रमुख सीमेंट कारखाना कौन कौन से हैं? सीमेंट कारखाने के लिए जो कच्चा माल है सबसे हमें ज़्यादा कहाँ मिलता है? चित्तौड़गढ़ में मिलता है, और कारखाना जो है वह बिड़ला सीमेंट वर्क चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर सीमेंट वर्क उदयपुर में है, मंगलम सीमेंट कोटा में है, जेके वाइट सीमेंट आपने नाम सुना होगा, जेके वाइट सीमेंट नागौर में है, श्री सीमेंट व्यावर में है, जेके सीमेंट वर्क्स ये निम्बाड़े में है। ठीक है, तो ये सभी सीमेंट कारखाना जो हैं यहाँ पर स्थापित किए गए हैं राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, कोटा, नागौर, व्यावर और निम्बाड़े में, और नाम भी आप याद रखिए। शक्कर उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो शक्कर उद्योग का कच्चा माल है गन्ना। राजस्थान की पहली शक्कर मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान की पहली शक्कर मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? तो यह 1932 ईस्वी में स्थापित हुई द मेवाड़ सुगर मिल्स के नाम से, चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में। राजस्थान में कांच उद्योग मुख्यतः कहाँ स्थित है? राजस्थान में कांच उद्योग कहाँ स्थित है? तो यह धौलपुर और उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग मुख्यतः कहाँ संचालित है? वनस्पति घी उद्योग राजस्थान में कहाँ संचालित है? तो यह जयपुर में भी है, कोटा में भी है, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर में, यहाँ पर वनस्पति घी उद्योग जो है यहाँ पर संचालित है। राजस्थान में नमक उद्योग मुख्यतः कहाँ संचालित है? नमक उद्योग कहाँ है राजस्थान में? तो नागौर जिले में नमक उद्योग जो है वह मुख्यतः संचालित है। तो इस तरीके से ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट उद्योग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग याद रखिएगा, और हर लाइन जो है वो आपको याद रहनी चाहिए चैप्टर की, जो कि हम यहाँ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।